हाँ तो बस अभी जुम्मा पढ़ के आ रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ द सेकेंड व्लॉग। और अभी अभी बस बैरियर टाउन की मस्जिद में नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ। काफ़ी रश था, काफ़ी गर्मी भी है बाहर, और ऊपर से मैं तो इधर आया हुआ भी 40 से ज़्यादा दिन के लिए हूँ, तो मैं नमाज़ भी पूरी पढ़नी पड़ती है। खैर, जुम्मे की नमाज़ तो पूरी ही पढ़नी पड़ती है, पर बाकी नमाज़ों में भी सफ़र वाला बहाना चलता ही नहीं है। खैर, बस अब मैं घर पहुँच रहा हूँ, घर पहुँच के पानी पीऊँगा और लेट जाऊँगा थोड़ी देर। बस यार, घर पहुंच गया हूँ, पर अभी बहुत थका हूँ, पानी वानी पीऊँगा, थोड़ा रेस्ट करूँगा फिर। जी हाँ, तो मैं जुम्मा पढ़ के आ चुका हूँ, पानी वानी पी लिया है, थोड़ा बहुत पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। तो नाउ एज यूजुअल डेली लूडो सीन्स विद नानो, लेट्स गो। इतना क्रिटिकल स्टेज बिल्कुल एंड पे आके एक गोटी से हार गया, एक नंबर और से। दोनों की एक एक रहती थी। एक और लूडो का सेशन लग गया और मैं इस बार बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे आके एक गोटी से हार गया, और सिर्फ एक अगर मेरा डाइस आ जाता तो मैं जीत जाता। तो खैर, अब बुरी तरह से नानों से एक और दफ़ा जलील होने के बाद खाना खाने वाला हूँ, और खाने के बाद फिर अब इस वक्त मैं फिर से घर के काम से आया हुआ हूँ डिफेंस धोबी के पास, और अब मैं धोबी को कपड़े दे चुका हूँ और यहाँ से वापस घर जा रहा हूँ। मैं पहुंच गया हूं और सारा काम कर चुका हूं, और बस अब घर जाने वाला हूं। हाँ भाई, तो बीच में मैं काफ़ी देर आराम करता रहा हूं, और अब फाइनली शाम हो गई है, सनसेट वाला टाइम हुआ है, और मेरी नानों ने मुझे कह दिया है कि जल्दी से इजी मार्ट जाओ और जाके एल्फी लेके आओ, और भेजा भी बाइक पे है। तो अब मैं जा रहा हूँ इजी मार्ट एल्फी लाने। हाँ भाई, तो मैं इजी मार्ट पे पहुँच गया हूँ, और मुझे ब्लॉगिंग और बाइकिंग साथ करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, तो मैंने पहुँच के यहाँ पे ब्लॉग किया है, और हाँ तो मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। चलो अब एल्फी लेने चलते हैं। अब एल्फी ढूँढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रही, पता नहीं किस तरफ रखी हुई होगी। हाँ तो भाई, एल्फी ले कर बाहर आ गया हूँ। बड़ा महंगा सामान देते हैं यार यहाँ पे, मतलब कराची से आए हूँ और इतनी ज़्यादा महंगाई है जगह पे। तो खैर, बस अब घर जाता हूँ, बाकी व्लॉग घर जा के अब करूँगा, बिकॉज आई डोंट लाइक व्लॉगिंग एंड बाइकिंग बोथ एट द सेम टाइम। फाइनली आई एम होम, और वीकेंड हैड्स फ्राइडे स्टिल, आई डोंट नो व्हाट टू डू। पता नहीं, इतना बोरिंग बोरिंग सा दिन गुजारा, आई डोंट इवन नो व्हाट इंटरेस्टिंग टू डू विद दिस व्लॉग टुडे। सो करंटली अब सीन ये है कि फाइनली मुझे वीकेंड के लिए एक्टिविटी मिल गई, अब मैं जा रहा हूँ DHA2 वाया GT रोड, और क्योंकि वहाँ पे मेरे पाँच कजन्स रहते हैं, सो आई विल हैंग आउट विद वन ऑफ माई कजन्स, आई डोंट नो विच वन बट समवन। सो अब लेट्स गो टू DHA2। या ओके, सो आई एम फाइनली हियर DHA2, एंड
Let's see what happens now. हाँ तो सीन ये कि इस वक्त अभी मैं DHA2 में बैठा हुआ हूँ और अपने बेबी कजिन्स के साथ यहाँ के फेमस गीगा मॉल में जाने वाला हूँ. So let's see how it goes because, well, let's go to Giga Mall. I'm still here in DHA2 and this little cutie is Fudge the Pug. Follow his Instagram page, it's Fudge the Pug. Link in the description. तो finally हम लोग निकल चुके हैं और अब हम Giga Mall जा रहे हैं. We are en route. तो इस वक्त हम लोगों ने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है और हम लोग गीगा मॉल आ गए हैं. दिस इज गीगा मॉल बिहाइंड मी और बाकी अंदर जाके देखते हैं. हाँ सो राइट नाउ आई एम इन गीगा मॉल एंड दीज आर माय कजिन्स माय बॉयज. And right now I am in Giga Mall DHA Phase 2 and it's quite nice. I didn't expect it to be this good, but it is. Yo, this is my boy Huzaifa Imran and this guy is also a YouTuber. So please be sure to subscribe his page 8Z786. Link in the description. इस वक्त हम लोग गीगा मॉल में हैं और हम जा रहे हैं फन सिटी, क्योंकि मैंने सुना था फन सिटी इज रियली अ ग्रेट प्लेस टू हैंग आउट इफ यू हैव नथिंग एल्स टू डू. सो आई हैव नथिंग एल्स टू डू एक्सेप्ट ईट एंड आई विल ईट लेटर. सो फन सिटी इट इज. सो राइट नाउ आई एम इन फन सिटी एंड इट लुक्स प्रीटी फनी टू मी. वेल लेट्स सी हाउ दिस एंड्स. हाँ भाई, तो अभी हम लोग फन सिटी के अंदर हैं. यहाँ पे बहुत शोर है, बहुत रश है और फिलहाल दो ही राइड्स मुझे पसंद आई है, जिसमें से एक डॉजम कार्स है जो कि मैं 100% करूंगा और द अदर वन आई शो यू गाइस लेटर. डॉजम कार्स वाज फन बट यार उन लोगों ने ब्लॉग नहीं करने दिया. कहते हैं आप साथ से चलाते हैं, ब्लॉग नहीं कर सकते. बड़ा कोई महंगा पता नहीं क्या चीज़ें बता रहे हैं. इस तरह का हमारा फ्लोर है, ऐसा फ्लोर है, वैसा फ्लोर है, जल जाएगा. देखा यार बड़ी बात है, आप थोड़े से फ़ोन से जल जाता है. चलो खैर नहीं बनाई लेकिन मज़ा बड़ा आया. और अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स आर नेक्स्ट राइड. सो लेट्स गो. ओके सो दिस इज द राइड आई एम गोइंग ऑन एंड यू आर अबाउट टू सी व्हाट हैपेंस विद मी ऑन दिस वन. ओके सर, ओ अच्छी थी बट सर घूम गया शुरू के एक दो राउंड से. मज़ा आया, इट वॉज वेरी गुड एंड लेट्स डू सम मोर. तो खैर यार वो वाली बहुत सर घुमा दिया था एक दो चक्करों में, पर खैर मैंने बर्दाश्त कर लिया. यार वैसे मज़ा बड़ा है, इट वॉज वेरी गुड एंड आई रिकमेंड यू ऑल टू गो टू फन सिटी गीगा मॉल रावलपिंडी DHA फेज 2. ओके सो नाउ वी आर फाइनली आउट ऑफ फन सिटी और अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ जिस जगह का नाम है टेटो. लेट्स गो देन. ओके सो इस वक्त मैं टेटो पे बैठा हुआ हूँ और वेट कर रहा हूँ अपने फेटुचिनी अल्फ्रेडो का. या सो आई एम जस्ट वेटिंग. So right now I'm having this fettuccine alfredo at Tato Cafe and I will tell you how it was after I eat it. Okay, so the pasta was amazing. I recommend Tato to everyone. Please go to the website or dine in anywhere. TatoCafe.com. Link in the description. Okay, so now I am heading home. Not actually home, my cousin's home. Then I'm gonna drop them to those guys off. Then I'm gonna go home. And this my guy Moose here. By the way, I recommended him Tato. Yeah, he recommended me to go to TatoCafe.com. Link in the description. हाँ भाई, तो ये है हमारा गीगा मॉल. Wow, I really liked it. It was a good one. चलो यार शुक्र है ये ओशन मॉल, डॉल्मिन मॉल के अलावा कोई तो अच्छा मॉल है पाकिस्तान में. नहीं वैसे और भी अच्छे हैं
लाहौर वाला एम्पोरियम भी बहुत अच्छा है, पर खैर ये भी बहुत आला मॉल था एंड गीगा मॉल इज़ रियली गुड, आई रिकमेंड गीगा मॉल टू एवरी वन, सेंटोरस से बहुत बेहतर है। ओके सो आई एम आउट ऑफ गीगा मॉल एंड नाउ आई एम फाइंडिंग माई कार, आई कैंट फाइंड एनीवेयर, ओह डैम इट्स सो फार। खैर अब हम लोग अपनी गाड़ी के पास जा रहे हैं और फिर उसके बाद हम लोग घर जाएंगे और उसके बाद फिर आ गया कि बस जो जो होगा मैं वो व्लॉग करता जाऊंगा। राइट नाउ आई एम हेडिंग होम। ओके सो बस अब सीन खत्म, एवरीथिंग डन, गीगा मॉल भी गया, वापस भी आ गया एंड नाउ फाइनली आई एम हेडिंग होम, बाकी व्लॉगिंग घर जाके। वेल आई एम बैक, मैं वापस आ चुका हूँ और बहुत मज़ा आया आज। हाफ डे तो मैंने कुछ किया ही नहीं और मोस्ट ऑफ मेरा ये वाला व्लॉग जो है ड्राइविंग में ही गुजरा है, सो फॉरगिव मी फॉर दैट, आई विल अपलोड अदर व्लॉग्स। और थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत पॉजिटिव फीडबैक रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। आई विल कंटिन्यू ऑन मेकिंग मोर व्लॉग्स एंड आई ट्राई मे बी वंस और ट्वाइस अ वीक मैं व्लॉग्स अपने डालूँ, हो सकता है डेली एपिसोड्स डालूँ, हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स, आई वुड रियली लाइक यू टू स्टिल लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर एंड पब्लिसाइज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड थैंक यू वेरी मच, पीस, अल्लाह हाफिज़।